हमें तो कोई बता रहा था कि 5 लोग शूट किए और एक के सिपाही दो आदमी को अखबारी में ऐसे पकड़े जैसे कबड्डी का मैच खेल रहा, और दूसरी हत्या कानून व्यवस्था की हुई। वो हमारे देश की कानून व्यवस्था का जनाजा, रावण के अहंकार का भी, कंस के अहंकार का भी, हर हुकूमत का हाकिम भी बैठा है। मरवाओ, अगर फायदा मिल रहा मरवाने से। आप जब तक हेडिंग नहीं लगाएंगे कि अगला नंबर मुख्तार का, 15 तारीख की स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई थी। मैं तो सड़क छाप आदमी हूं, एक गाड़ी लेके चला जाता हूं, 4 लोग बैठते हैं बस। देगी, मैं आपसे बता रहा हूं कि षड्यंत्र तो हो रहे हैं, अब हुए हैं, अब होते रहेंगे, लेकिन ईमान इस बात का है कि मारने वाले से बढ़कर है बचाने वाला, और दिन जब तय हो जाएगा तो घटनाक्रम सपने में भी किसी ने न सोचा रहा हो घट गया। अनहोनी है जो घटना हुई उनके साथ, लेकिन अगर इसकी निष्पक्ष जांच होगी तो आप भी हो, मैं भी हूं, ये सारी स्क्रिप्ट तब पहले से तैयार थी। इतने शानदार वो वेपन जो मिले, और वो तीन ही मारे हैं, हमें तो कोई बता रहा था कि 5 लोग शूट किए, 3 के लिए ये भूमिका थी, जैसे सबके काम बांटे गए थे, उनमें 3 के लिए ये भूमिका थी, उनका ये रोल था कि तुम लोग जल्दी जल्दी जय श्री राम का नारा भी लगाना और सिलेंडर सिलेंडर भी करना, और जब वो गिरे पड़े हो मरणासन्न स्थिति में तो दौड़ दौड़ के उनके ऊपर भी फायर भी करना, ताकि जल्दी जल्दी फिल्म भी बना के दिखाया जाएगा, यही तीनों है, यही तीनों, और एक के सिपाही दो आदमी को अखबारी में ऐसे पकड़े जैसे कबड्डी का मैच खेल रहा। तो ये अभी जो असली उसमें जो शूट करने वाले थे, ये तो तीनों थे ही, इसके अलावा भी थे। ये जांच का विषय है कि उस समय उस दिन किसके जिम्मे कानून व्यवस्था थी। देश के वरिष्ठतम वकील ने कहा है, एक हत्या अतीक अहमद और उनके छोटे भाई अशरफ की हुई, और दूसरी हत्या कानून व्यवस्था की हुई। और आज ही मैं देख रहा था, इस पर भी किसी दार्शनिक ने आज ही कहा है कि वो जो जनाजा था वो अतीक अशरफ का जनाजा ही नहीं था, वो हमारे देश की कानून व्यवस्था का जनाजा था। हमें शर्म ना आए, हम बेशर्म हैं, हमें बेशर्म बनाने के लिए आप ही लोग हैं, हमारी बेशर्मी को भी आप हमारी उपलब्धि बताते हैं। अरे साहब, आप तो बाप रे बाप, इसी तरह बाजा और गाजा बजता था रावण के अहंकार का भी, कंस के अहंकार का भी, इसी तरह का जब भी सत्ता की ताकत पर इस तरह की घटना को कोई न्याय कहता है तो कहीं ना कहीं ऊपर सबका भी मालिक बैठा हुआ है, हर हुकूमत का हाकिम भी बैठा है। यह राजनीतिक व्यक्ति से आप पूछ रहे हैं तो बयान किसका आएगा, किसी का बयान नहीं आ रहा। आप जाके पूछते हो प्रोफेसर राम गोपाल यादव से, आप जाके पूछते हो माननीय अखिलेश सिंह यादव से, आप जाके पूछते हो जिससे आप पूछना चाहते हो। नहीं, लोगों ने सुरेश खन्ना से पूछा, गिरिराज सिंह से भी पूछा, बहुत सारे सब लोगों से पूछा, सब लोग बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं अपनी विफलता को, किसी की विफलता को आप उपलब्धि बता दो। आप ही तो आंकलन कर रहे हो कि इसका फायदा मिलेगा कि नहीं। मरवाओ, अगर फायदा मिल रहा मरवाने से, फायदा मिल रहा लोगों के घर गिराने से, अब तो पता 24 में लगेगा। इसका राजनीतिक लाभ आगामी लोकसभा में मिलने वाला है किसको? अब इसका आपको लगता है राजनीतिक लाभ नहीं, मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटनाओं का राजनीतिक लाभ न लेना है और न उस पर हमें चर्चा करना है। इसकी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं। या तो हम कहें कि हम
व्यवस्था बनाने में अक्षम है। मेरा मकसद किसी को गाली बकना नहीं है, लेकिन जिसको आप एक अच्छी चीज के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो, बच्चों के सामने, महिलाओं के सामने जो दृश्य आप टीवी में परोस रहे हो, एक अनजाना सा तनाव, एक अनजाना सा वातावरण में टेंशन, खौफ, ये किसके लिए पैदा कर रहे हो? अपने देश के लोगों में तनाव पैदा करना, ये किस सब समाज ने? लेकिन आपको, आपका चैनल कहिएगा इसी में चल रहा, आप जब तक हेडिंग नहीं लगाएंगे कि अगला नंबर मुख्तार का। मैंने कल एक पत्रकार बंधु से कहा था, ये बात आपने हमसे पूछी धमकाने के लिए, या ये बात आपने पूछी कि किसी की कॉन्स्पिरेसी में आप सम्मिलित है इसलिए आपको पता है, या ये बात आपने हमसे कही इसलिए कि अमुक व्यक्ति ने हमको ऐसा करने के लिए बताया है, तो आप बताइए। ना ना ना, हम कुछ नहीं ऐसा, तो ऐसा नहीं तो ऐसा सवाल क्यों? अब उस कहानी पुरानी हो चली तो जल्दी से मुख्तार का नाम जोड़ दिया जाए और थोड़ी आगे बढ़ेगी। 15 तारीख की स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई थी, दिन की घटनाक्रम क्या होगा और रात का घटनाक्रम क्या होगा। 5 जिले की फोर्स गाजीपुर में बुलाई गई थी जिस दिन आपका फैसला आना जी, और दिल्ली के मीडिया के लोग आए थे, मेरा इंटरव्यू लेके गए, पटना आ गया था, लखनऊ आ गए थे, बनारस से आ गए थे, आप गाजीपुर के प्रेस के लोग हो, आपकी संख्या 10-20 रही होगी, लेकिन वो 50-100 थे। हम तो हर तारीख पे जाते हैं, मैं तो सड़क छाप आदमी हूं, एक गाड़ी लेके चला जाता हूं, 4 लोग बैठते हैं बस। कोई बता रहा था कि आप जो है वो अपने सामान लेकर आए थे गाड़ी में कि आपको शायद। अब फैसला जब सुनने जाता है तो आदमी जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी उसके लिए तैयार होके जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कम से कम इस पे तो संतोष कीजिए कि मेरे जैसा आदमी है जो न्यायपालिका में आरोप का विचारण हो और निर्णय का स्वीकार हो। पसंद नहीं आए तो भी उसकी आलोचना नहीं करूंगा, उसकी अपील करूंगा। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।